गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं भारत के नाम के साथ, जय हिंद जय भारत। सो आज है इंडिपेंडेंस डे और ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ डिब्बी के फोन में और किसी चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा, आ जाओ पापा। तो बढ़िया लग रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा आ रहा है व्लॉग, मतलब अच्छी क्वालिटी दिख रही है। ये रही डिब्बी और हमारी सोसाइटी में हो रहा है प्रोग्राम और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, तो लाइट थोड़ी कम आ रही है। तो प्रोग्राम हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, एक बार देखते हैं क्या 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 चल रहा है, क्या 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 प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर। और हमारे भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, एलवी से ज़्यादा फाइनली जीत गया है बिग बॉस और 36 बरादरी का उसने नाम वही रखा भाई साहब, पूरा उसने जो उसे करना था, मतलब जिसके लिए वो बना था वो उसने किया और जीत के ट्रॉफी लेके आया। सो ये बहुत बड़ी बात है और चलो चलते हैं, अब दिखाता हूँ आपको डस्टबिन। भाई ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि इसने डस्टबिन में ही डाला, एज ए गुड बॉय। चलो चलो, किसने पहना है कुर्ता पजामा। ओहो, किसो फुल एक्साइटेड है और हम भी एक्साइटेड ही हैं। बाकी मेरे फोन में ब्लॉग आप बताना कैसा लग रहा है। तो डिम्पी एरी चल रहा है नीचे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है 15 अगस्त की, और ऐसे ही आप अच्छे से सेलिब्रेट करें 15 अगस्त और जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो गाइस आ गए नीचे अब, और नीचे हो रहा है प्रोग्राम बहुत बढ़िया। ये हमारी सोसाइटी है, यहीं पे करा रखे हैं प्रोग्राम। The next performance, I would like to invite Arush from flat 1510. तो गाइस ये है मेरा भतीजा, ये है भैया का लड़का मेरे। ये सब बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस रेडी करी है। तो गाइस ये फ्लैग होस्टिंग देश की आन बान शान। किशु झूल रहा है झूला, और यहाँ पे आंटी जो है दिन चल रहा है पूरा प्रोग्राम, आंटी सुना रही है गीत देशभक्ति गीत। तो गाइस अभी सोसाइटी के प्रोग्राम के बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर, अब देखते हैं। एक तो फोन मेरा नया है, मेरे को सरप्राइज गिफ्ट मिला है, ऋषभ ने मेरे को सरप्राइज गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पे कल। तो अभी हम लोग निकले हैं क्योंकि इस पर अभी गार्ड भी नहीं, फ़ोन का वो जो कवर होता है वो लेना है मुझे, और गार्ड भी नहीं लगा इस पर, तो वो सब लग लेंगे, वो लगवाना है, नहीं तो ये फ़ोन गिर सकता है और टूट सकता है। और एक इशू है ना, ये वैसे ही शैतान है मेरे फ़ोन के पीछे पड़ा रहता है।